ने लिखा है, न चाहते हुए भी कोई चीज की याद आती रहती है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी वो चीज याद आती रहती है। तो ऐसी याद को कैसे रोका जाए? अरे इस जन्म का इंटरेस्ट नहीं है, पूर्व जन्म का इंटरेस्ट तो हो सकता है, चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, इस जन्म में कोई लगाव नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म का तो लगाव हो सकता है। तो वो रील खुल पड़ती है और याद आता है। उसको खलास करने का तरीका है कि बार बार उसको विस्मृति में लाना और बाबा को याद करना, ये अभ्यास करना ही पड़े। अभ्यास से ही सब कुछ होगा, और अभ्यास भी तब बढ़ेगा जब बुद्धि में बार बार ये लाएं कि इस दुनिया में हम जो भी इन आंखों से देखते हैं वो सब भस्म हो जाएगा। इन आंखों से 63 जन्म भी हमने जो कुछ देखा है वो सब कुछ हमारे काम आने वाला नहीं है। हमारे काम सिर्फ एक बाबा की याद ही आनी है, उससे ही अंतमते सुगति होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सीताराम और रघुपति राघव राजा राम, इसका अंतर कैसे समझना समझाना है? रघु कहा जाता है सूर्य को, पतितों को पावन करने वाला सीता और राम, जो पतितों को पावन करने वाले सीता राम हैं, उनको रघु से क्यों जोड़ दिया, सूर्य से क्यों जोड़ दिया? सूर्य कभी पतित बनता है क्या? इसीलिए जोड़ दिया कि जो सूर्य ज्ञान सूर्य है कभी पतित नहीं बनता है, वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, और उसी स्वरूप के द्वारा संघ के रंग से पतितों को पावन बनाता है। और हाँ जी बाबा, हम ब्राह्मण बच्चों को तो मालूम है यही शूटिंग हीरो है, मगर बाहर की दुनिया वालों को कैसे पता चल, कैसे समझाओ इनका बाबा यही शूटिंग पीरियड का हिसाब के लिए? अभी 500 करोड़ को समझाए देंगे? नहीं बाबा, 500 करोड़ को नहीं, कोई नजदीक वाले भी होता है इंटरेस्टेड है। नजदीक वाले होते हैं तो नजदीक वालों को समझाओ कि जैसे कोई ड्रामा होता है तो उसकी रिहर्सल का टाइम भी होता है, कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म का भी शूटिंग का टाइम होता है। ऐसे ही इस दुनिया का जो 4 युगों का ये ड्रामा है, 4 सीन का ये ड्रामा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जो 4 युग ज्यों के त्यों घूमते रहते हैं, इन 4 युगों की शूटिंग भी तो होती होगी। तो उसकी शूटिंग का टाइम है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। भगवान किस लिए आता है? महात्माएं किस लिए आते हैं? दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं किस लिए आते हैं? भगवान में और उन महात्माओं में और उन धर्म पिताओं में क्या अंतर होता है? यही अंतर है कि भगवान इस षष्ठ रूपी रंगमंच का डायरेक्टर है, वो एक्टर नहीं है।
पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाने वाला है। जब वो आता है तो चारों युगों की शूटिंग कराता है। ये शूटिंग काल को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम कौन कौन बनते हैं, उत्तम पार्ट क्या क्या बजाते हैं, उस बात का पता अभी चलता है और हर आत्मा को अपना अपना पता चलता है कि हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से उत्तम पार्ट बजाया है। तो इस तरह समझाना है। और हाँ जी, विष्णु के चित्र पूजा में ओम राधा मामा के अंदर दिखाते हैं, उसमें ओम राधा के मामा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं नहीं करते? ओम राधा नारी चोला है या पुरुष चोला है? हैं? नारी चोला है। तो नारी चोले में शिव अगर आवेगा तो क्या गड़बड़ होगा? हैं? नारी चोले में अगर शिव प्रवेश करेगा तो सबसे मिलन मेला मना सकेगा, हो सकता है ऐसा? है? नहीं होगा। इसलिए शिव को पुरुष तन में ही आना पड़े। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनेगा। प्रवेश तो करते ना, प्रवेश तो करते ना, थोड़ा समय। एक प्रवेश करना होता है, वाणी चलाने के लिए। वो तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, गीता ज्ञान दिया। दूसरा प्रवेश करना होता है उस ज्ञान को ज्यों का त्यों, जैसे ब्रह्मा ने बोला है और ब्रह्मा ने आचरण किया है, उसी आधार पर आचरण करना। तो ब्रह्मा के जीवन में कौन सा ब्रह्मा कुमार कुमारी हुआ जिसने ब्रह्मा को सबसे जास्ती फॉलो किया? कोई हुआ या नहीं हुआ? कौन हुआ? है? अरे जिसने प्रश्न किया सो तो बोलो। है? ओम राधे मम्मा ने। तो फॉलो करने के हिसाब से ये कहा जाता है कि सेकेंडरी ब्रह्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा के बाद। फॉलो करने वाला अव्वल होगा या सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा। और पौधे की जब शुरुआत होती है तो एक दो पत्ता निकलता है कि ढेर के ढेर पत्ते इकट्ठे निकल आते हैं? क्या होता है? है? दो पत्ते पहले आते, दो चार पत्ते पहले आते हैं, फिर आठ आते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। और पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं, उनका पुरुषार्थ एक साथ पूरा होगा या नंबरवार टाइम लगेगा?
तो जिस हिसाब से नंबरवार टाइम लगेगा उसी हिसाब से नंबरवार सृष्टि पर आएंगे। और ज्ञानी आत्मा एक जन्म में शरीर छोड़ दे तो दूसरे जन्म के शरीर मिलता है बाबा। ज्ञानी आत्मा इस जन्म में शरीर छोड़ दिए तो दूसरे जन्म में शरीर मिलता बाबा वो आत्मा को। हाँ मिलता है। हाँ जी हिस्ट्री में लिखा है कि आदि मानव ने मांसाहार किया, फिर इस ज्ञान में ये नियम क्यों बताते हो कि मांसाहार नहीं करना है? दुनिया में जो लोग समझते हैं वो समझ तामसी बुद्धि की है या सात्विक बुद्धि की है? तामसी बुद्धि वाले ऐसा समझते हैं कि नई सृष्टि जब हुई तो नई सृष्टि में सारे ही मनुष्य मांस खाते थे। अब उनको ये पता ही नहीं है कि मांस खाना बेहद में भी होता है और मांस खाना हद में भी होता है। जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो उसने बेहद का ज्ञान सुनाया होगा या हद का ज्ञान सुनाया होगा? बेहद का ज्ञान सुनाया। जब बेहद का ज्ञान सुनाया था उस समय जो मनुष्य थे इस सृष्टि पर वो सब मांसाहारी थे, अर्थात देह अभिमान का भोजन करते थे। एक भी मनुष्य ऐसा इस सृष्टि पर नहीं था, देवता नहीं था जो देह अभिमान का भोजन न करता हो। तो इस बात को उन्होंने ऐसा उल्टा उठा लिया कि जब नई सृष्टि बनी, भगवान ने जब नई सृष्टि बनाई तो सब मनुष्य मांसाहारी थे। अरे हद में मांसाहारी थोड़े ही बताया। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि जब रची गई तो सभी ब्राह्मण इस सृष्टि के बेहद के मांसाहारी थे। विकारी थे या निर्विकारी थे? विकारी थे। तो जो विकारी होते हैं वो देह अभिमान का भोजन खाते हैं कि आत्मा अभिमान का भोजन खाते थे? देह अभिमान का भोजन खाते थे। उनको फिर प्रैक्टिस कराई कि तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्माभिमानी बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे तो फिर आत्मा का भोजन खाएंगे। आत्मा का भोजन है ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन। और बहुत थोड़ा सा ज्ञान सुनने मात्र से ही या संदेश सुनने मात्र से ही कर्म में आते हैं बोले हैं ना बाबा? कर्म में आते हैं? पद में। हाँ, जो मेरे से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा बाबा? सिर्फ सुनने मात्र से ही आते हैं या निश्चय होने पर भी आते हैं? सुनने मात्र से ही। जिन्होंने भगवान के मुख से दो शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। इसका कारण क्या है बाबा? निश्चय की जरूरत नहीं है। निश्चय हो या ना हो, अगर भगवान के मुख से दो शब्द भी सुन लिया, कान में पड़ गया, ऐसे नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कान में पड़ा माने लगन पूर्वक सुन लिया, हाँ तो बस ये निश्चित हो गया कि वो आत्मा स्वर्ग में जरूर आवेगी। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज तो परमात्मा का पार्ट गुप्त चल रहा है, उस गुप्त पार्ट को दुनिया तो जानती ही नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, वो ब्राह्मण भी उस पार्ट को नहीं जानते हैं।
या जानते हैं तो नंबर बार जानते हैं, आज जानते हैं और कल भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है जबकि सारी सृष्टि पर एक एक मनुष्य आत्मा इस ज्ञान को जानेगी, मानेगी, उस ज्ञान पर चलेगी और भगवान के पाठ को भी मानेंगे, जानेंगे, स्वीकार करेंगे। तो जब सारी सृष्टि पर ऐसी हलचल होगी तो जिन्होंने दो शब्द उस व्यक्ति से सुने हैं तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, मानेगा? नहीं करे तो भी आएगा है? पट्टी करना, पट्टी नहीं करे तो भी आएगा। आगे चल करके 9 लाख आत्माएं बट्टी करेंगी या नहीं करेंगी? बस जिन्होंने आज दो शब्द सुना कल वो बट्टी करने भी आ जाएंगे। उनमें से भी 4.5 लाख तो ऐसे हैं जो भूत प्रेत बन करके प्रवेश करके सुनते हैं। 4.5 लाख की बात है। और भूत प्रेत मानने वाला बोला है, भूत प्रेत माना शरीर छोड़ने वाला है ना? हाँ, शरीर छोड़ने वाला भी ज्ञान में चलने वाला भी प्रवेश करके सुनता है ना? ज्ञान सुनता है वो लोग तो भी समझ के और 8-9 लाख होता है ना? वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे? आएगा। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। कुकुमंसावली बोलते हैं वो बाहर वाला कुकुमंसावली बस रह के ज्ञान में सीधा नहीं रहता, वो कुकुमंसावली क्या कुकुमंसावली बोलते हैं? किनको? बाहर वाले को बोलते हैं, नहीं तो अपने पास जो रहते हैं ना अभी के में वो लोग ब्रह्मा की मुखवंशावली। हाँ, वो तो ब्रह्मा के सामने पढ़ने सुनने वाले ब्रह्मा मुखवंशावली मुखवंशावली माना मुख से जो सुनते हैं, वो मानते हैं मुख से सुनी हुई बात को और मुख से सुनी हुई बात पर चलते हैं, वो मुखवंशावली। और जो कुखवंशावली है वो ब्रह्मा की कुख अर्थात गोद उनको याद आती है, गोद में बार बार गए हैं, गोद का प्यार लिया है तो वो गोद याद आती है। उन्होंने ब्रह्मा के मुख से बोली हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया है इसलिए वो मुख को कुहवंशावली। और वो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, वो तो अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। इस सृष्टि की आज में लक्ष्मी नारायण, नई सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, तो अनादि में कौन? अनादि में कोई है या नहीं है? नहीं है। कौन कौन है आत्मा सो परमात्मा? कौन आत्मा परमात्मा? उनका कोई नाम नहीं है? अनादि में शंकर का नाम आता है। बाबा ज्ञान में चलते चलते ग्रैंड चिल्ड्रन के मोह बश आके उसके उनके पास जाके रह जाते हैं, बाद में आके उसको जो बच्चियों के साथ में वही रहते बेटियों के पास जाके बैठ के उनके पास ही रह के ज्ञान में आना मतलब गुरु क्लास को नहीं आते, क्लास को अटेंड नहीं करते, क्लास अटेंड नहीं करते, फिर कहाँ जाते? वापस आने के बाद उनका पकाना क्या करना या नहीं खाना?
वापस आने के बाद, वापस ज्ञान में आने के बाद, वो ज्ञान में सत्य नहीं चलता तो भूत बुलाए तो भी नहीं आ रहे। हाँ नहीं आते, ज्ञान के लिए बुलाए, ज्ञान में पहले चलते थे, बाद में वो बच्चों के मोह में आ गए और वहीं के रह गए। हाँ तो आगे उनके हाथ का खाना खा सकते हैं, वापस आने के बाद खाना बनाते हैं ना, खाना खाने का नहीं खाने का नहीं खाना, जो पतित हो पड़े गिर पड़े, योग भ्रष्ट हो गए, उनका संग करेंगे तो आपको रंग नहीं लगेगा। पूछने की बात क्या है, पता नहीं क्या है, योग भ्रष्ट है ये तो बहुत नीची बात हो गई। चढ़े तो चाके अमृत रस, गिरे गिरे तो चकनाचूर, तो चकनाचूर जो हो गए उनका पद भ्रष्ट हो गया, उनका पद चकनाचूर हो गया, एकदम प्रजा में नीचे जाकर के गिरते हैं, तो उनका संग करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। सागर कितना भी बड़ा है लेकिन लोग सागर का पानी नहीं पीते हैं, नदी के पानी को ही पीते हैं। अगर कोई भी सागर के पानी को नहीं पीता है तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद अर्थ क्या हुआ? लेकिन जो पूछने वाला है उसको ये पता नहीं है कि मुरली में बाबा ने बोला है सागर मीठा भी और सागर खारा भी। सागर में जो मीठी मीठी धाराएं बहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा वगैरह, वो गर्म पानी की धाराएं हैं, उनमें मीठा पानी भी होता है और ज्यादातर सागर खारा भी होता है। तो खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा है। जो सागर है दो प्रकार का पानी देता है, मीठा भी है और खारा भी है, उसमें जास्ती किसकी है? खारे की जास्ती। दुनिया में भी खारे लोग ज्यादा हैं या मीठे लोग ज्यादा हैं? खारों की संख्या ज्यादा है, देवताएं बहुत थोड़े हैं और राक्षस राक्षस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि सागर का पानी पीते नहीं है, जो पीने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि नदियों में पानी कहाँ से आता है। नदियों में भी तो पानी पहाड़ों से आता है ना, और पहाड़ों में कहाँ से आता है? सागर से ही आता है। तो सारी दुनिया सागर का ही जल पीती है, वास्तव में नदियों का पानी कहा जाता है लेकिन वो नदियों का पानी है नहीं, है किसका? सागर का ही। और बाबा घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तो सरेंडर तो नहीं है ना? घर गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले सरेंडर तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? वो जन्म जो गीता पाठशालाएं चलाते हैं उनमें से कोई भी सरेंडर बुद्धि नहीं है। थोड़ा है ना बाबा, ज्यादा थोड़ा क्यों? थोड़ा क्यों? जो कहते हैं कि जैसे बाबा चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, बाबा कहते हैं गीता पाठशाला बंद कर दो आज आ जाओ जाना, तो हम आज वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर बाप के पद के नजदीक ही होंगे। ये बुद्धि की बात है,
बुद्धि से जो याद में रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं, वो नजदीक ही रहेंगे। और बाबा हाँ, धर्म के तरफ बाप से दो बात भी नहीं सुनते क्या है? धर्म पिता है। हाँ, मुंडी में तो बाबा ने ऐसे ही बोला है, उन गुरुओं को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम उनको समझावेंगे तो वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चेले हैं, उनको समझाओ। जब सारे चेले समझ जावेंगे, उनके फॉलोअर्स जागृत हो जावेंगे, तो उनके गुरु भी आकर के मुंह लटका देंगे। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सबसे बड़े से बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं। इनको डायरेक्ट तुम जाकर समझावेंगे तो समझेंगे समझेंगे, इनके फॉलोअर्स को समझाओ, वो समझ जावेंगे तो पीछे पीछे ये भी आके माथा झुका के जावेंगे। तो फॉलोअर्स को बाप को गुरु धर्म पिता को मानते ना बाबा है, तो फॉलोअर्स को रे उनके गुरु को मानते ना। हाँ, अपने बात कैसे मानते हैं? तो जो जो मानते हैं उनके गुरु को, उन गुरुओं का भी तो कोई गुरु है। इब्राहिम ऊपर से आता है तो किसी में प्रवेश करता है कि नहीं? तो जिसमें प्रवेश करता है उसको समझाओ, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है कि नहीं बाप, उसको समझाओ। बाबा ज्ञान में रहने वाले कोई देवल की किताब दिए तो नहीं लेना, लेना है ले सकते। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा, और विविचारी ज्ञान का बीज पड़ेगा तो आत्मा विविचारी धर्म में जावेगी या अविविचारी धर्म में जावेगी है? विविचारी ज्ञान लेंगे तो विविचारी धर्म में चले जावेंगे, और एक से ज्ञान सुनेंगे तो आप विविचारी देवता धर्म में जाने। और बाबा ने मुरली में बोला है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। तो एक भाई ने पूछा, क्या ये सूरज, ये चांद, ये नक्षत्र मंडल जो आंखों से देखने में आते हैं वो सब विनाश हो जाएंगे? और ये सब तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान, ये सब तमो प्रधान है। सूरज भी क्या है, अभी दिन प्रतिदिन और गर्म होता जाता है, तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? दुख देने वाले को तमो प्रधान कहा जाता है या सतो प्रधान कहा जाता है? तमो प्रधान। ये जो भी तमो प्रधानता है वो सब सब खलास हो जाएगी, फिर नई सृष्टि में सब कुछ नया होगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तो परिवर्तन हो जाएगा है, तो सूरज जो नक्षत्र टकरा टकरा के साथ खलास होने वाले हैं क्या? ये जो नौ ग्रह हैं वो आपस में विनाश में टकराएंगे, एक ही बड़ा नक्षत्र रह जाएगा। हाँ जी, बृहस्पति माने गुरु, जिस सदगुरु में शिव प्रवेश करते हैं। शिव माने ज्ञान सूर्य, प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा अर्ध विनाश के बाद पृथ्वी से अलग हो गया, उसको चंद्रमा नाम दिया गया। फिर संपूर्ण विनाश होगा तो पृथ्वी से जुड़ जाएगा,
तो एक भाई ने पूछा इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है कि ग्रह कितने कहे जाते हैं, नौ ग्रह कहे जाते हैं और एक एक ग्रह के उपग्रह भी हैं। क्या उपमाने? नजदीक रहने वाले जो ग्रह के आसपास घूमते रहते हैं वो है उपग्रह। जैसे बच्चा होता है अपने माँ बाप के आसपास घूमेगा या दूसरों के पास जाएगा? अपने माँ बाप के पास ही घूमेगा। तो यही प्रूफ है कि चंद्रमा भी उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह माने किसके, किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काटती है, तो पृथ्वी का कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट सूर्य से। और पृथ्वी का कनेक्शन चंद्रमा से, तो वो उपग्रह है माने पृथ्वी का बच्चा है। पृथ्वी चंद्रमा की माता है, तो बच्चा कहाँ से निकलता है? माँ के पेट से निकलता है। मुरली में बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, परंतु ब्रह्मा को तो चतुरानन पंचानन भी कहते हैं। क्या? ब्रह्मा को चतुरानन भी कहते हैं और पंचानन भी कहते हैं। तो बाबा भगवान तो एक व्यापी है, चार मुख व्यापी या पांच मुख व्यापी तो नहीं है या सर्वव्यापी तो नहीं है, तो ये चतुरानन और पंचानन कैसे साबित होगा? ऐसे साबित होगा कि बाबा कहते हैं कि मैं एक में प्रवेश करता हूं उसका तो प्रूफ मिलेगा, लेकिन एक के अलावा औरों में प्रवेश होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि दादा लेखराज में शिव आते हैं तो कोई प्रूफ दे सकेगा? नहीं। इस बात का कोई प्रूफ मिलता है कि शिव दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है? किसी ने इस बात का प्रूफ निकाला? निकाला? नहीं, नहीं निकाला। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा में ही प्रवेशता का प्रूफ नहीं मिलता, तो बाकी तीन ब्रह्मा या चार ब्रह्मा में प्रवेश करने का प्रूफ कैसे मिल सकता है? इसलिए बोला मैं एक व्यापी हूं। एक में प्रवेशता के तो ढेर के ढेर प्रूफ मिलेंगे, लेकिन बाकी में प्रवेशता के कोई प्रूफ नहीं मिल सकते। ऐसे तो मैं बहुत बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता हूं। क्या कोई बच्चे को समझने वाला ज्यादा होशियार मिल जाता है तो उस होशियार व्यक्ति को समझाने के लिए मैं उस बच्चे में प्रवेश करके सेंस करता हूँ, दृष्टि की पावर देता हूँ, वाइब्रेशन की पावर देता हूँ, वाचा की पावर देता हूँ और उस आत्मा को समझाता हूँ। बच्चा समझता है कि मैंने ये काम किया, तो ये बच्चे का अहंकार है या निरहंकारी बना है? अहंकार है, क्योंकि बच्चे तो सब तमो प्रधान है। बच्चे कोई सतो प्रधान है? सब तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी, सेवा का उपक्रम करेगी या डिस्टर्बेंस करेगी? बच्चे तो भिखारी होने के कारण विकारों की ही बातें सोचते हैं, लेकिन मैं उनमें प्रवेश करके सेवा करता हूं। तो बाप दादा सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते।
बाबा बच्चे जो कमेल आत्मा है बाप चारा जो कमेल आत्मा बाप चारा पुरुषात्मा मरी सगम सगम आत्मा सगम पुरुषात्मा कैसा कैसा पुरुष क्या पुरुष और नारी कैसा बोल पुरुष और नारी अभिनारी कैसा बोल सकते हैं कंबाइंड स्वरूप पुरुष और नारी जो कहते हैं त्वमेव माता च पिता च पिता त्वमेव तो अभी बताया कि शिव पिता है या माता है है पिता है जब वो शिव पिता है ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है पिता का नाम पहला क्या होता है बीज डालना तो जो पिता है वो बीज किसमें डाले बीज जिसमें डाले उसको क्या कहा जाता है तो किसमें बीज डाला है कौन है वो माता जिसमें बीज डाला कौन सा ब्रह्म दादाजी ब्रह्म शिव पिता जब आया तो उसने दादा लेखराज ब्रह्मा में बीज डाला ज्ञान का है कि उनको सिर्फ साक्षात्कार हुए उनमें ज्ञान का बीज नहीं डाला अगर उनमें ज्ञान का बीज डाला होता तो उनको अपने गुरु से पूछने की दरकार नहीं पड़ती उनको वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकने की दरकार नहीं पड़ती लेकिन वो भटकते रहे तो आखिरीन वो अपने भागीदार के पास पहुंचे जिस भागीदार को उन्होंने दुनिया में दुनिया का सबसे जास्ती सच्चा और ईमानदार व्यक्ति अनुभव किया था अपने जीवन जिस भागीदार को उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई की दुकान 100 को दी थी और खुद सत्संग में जाकर के बैठ गए थे सिंध हैदराबाद में उसी भागीदार में शिव बाप ने प्रवेश किया और ज्ञान का बीज डाला तो बताओ शिव तो पिता है फिर माता कौन हुई दादा लेखराज माता हुई जिनको साक्षात्कार हुए या दादा लेखराज ने जिससे जाकर के सुना साक्षात्कार का रहस्य वो ज्ञान के बीज को धारण करने वाला पहला व्यक्तित्व है कौन है आदि माता कौन है फिर जगदम्बा ने समझा छोटी माँ ने समझा पहले प्रवेश किसमें किया ज्ञान का बीज पहले किसमें पड़ा पिता तो वही परम ब्रह्म हुआ तो दो आत्माएं हो गई एक शिव बाप और दूसरा प्रजापिता हो गई माता क्या और वो शिव हो गया पिता अब चाहिए साकार में दोनों या निराकार में दोनों साकार में चाहिए तो उसको पिता कहेंगे जिसे प्रजापिता नाम दिया और उस प्रजापिता से जो बच्चा पैदा हुआ कृष्ण बच्चा उस बच्चे ने सहन शक्ति का रूप धारण करके माता का पाठ बजाया या लक्ष्मी ने बजाया या जगदम्बा ने बजाया किसने बजाया सहन शक्ति का पाठ दादा ने बजाया तो जिसने सहन शक्ति का पाठ बजाया वो अव्वल नंबर माता हो गई साकार में इसलिए जो अव्वल नंबर माता हो गई संगम युग में वो माता ही प्रजापिता के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर
सबसे अहम पार्ट बजाने वाली आत्मा हुई, सृष्टि का पहला पत्ता हुई। परिवार में बाप के बाद ज्यादा नाम बाला करने वाला कौन सा संबंधी होता है? बड़ा बच्चा होता है। पत्नी तो नहीं होती, होती है? दादी माँ तो नहीं होती? नहीं होती। तो वो प्रजापिता बाप हुआ और वो कृष्ण बच्चा हुआ। ये दोनों ही आत्माएं हम पार्ट बजाने वाली हैं, जो संगम युग में हीरो और हीरोइन का पार्ट धारी है। इसलिए उनको नाम दिया है बाप और दादा। राम बाप और कृष्ण वाली आत्मा दादा। ये दोनों ही आत्माएं शंकर के पार्ट धारी में प्रवेश करके साकार में पार्ट प्ले करती है। शिव तो निराकार है, अभोक्ता है। इसलिए बाप दादा वही हमारे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले तुम माता पिता हम बालक हैं। मेरा नाम मित्र का उसका नीति क्या है? श्रीरंग नीति बोलते श्री माने श्रेष्ठ, वो श्रीरंग नीति। और रंग, रंग अनेक प्रकार के होते हैं। जो अनेक प्रकार के रंग होते हैं उन रंगों में सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है, उसी को श्रीरंगा कहते हैं। रंग तो सात प्रकार के हैं। नारायण कितने? सात नारायण। लेकिन जो सात नारायण है वो तो अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन उन सात नारायणों से भी कोई श्रेष्ठ रंग वाला है, है या नहीं? वो सोलह कला संपूर्ण नारायण। बाद के जो सात नारायण है वो सोलह कला संपूर्ण नहीं है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ रंग वाला श्रीरंगनाथ कौन हुआ? श्रीरंग कौन हुआ? श्रेष्ठ रंग कौन सा हुआ? नहीं, सतयुग का नारायण श्रीरंग हुआ। और उसका भी नाक कौन हुआ? उसको भी नाक में नकेल डालने वाला, बैल के नाक में नाक डाली जाती है, बैल उसकी नाक में नाक डालते हैं। तो बैल कौन है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा। और उसकी नाक में नकेल डालने वाला कौन है? नर से नर बनने वाला श्रीरंग नाथ है। उसकी नीति सबसे श्रेष्ठ नीति होगी या दूसरे नारायणों की श्रेष्ठ नीति होगी? है जो फर्स्ट नारायण है उसकी नीति सबसे श्रेष्ठ नीति है। और बाबा डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनने वाला कितना समय इस पर राज्याधिकार बनेगा? भगवान भगवान आकर के जो प्राप्ति कराए, स्वयं भगवान आकर के जो वर्षा देवे, वो वर्षा एक सेकंड का भी सबसे बड़ा वर्षा है या 5000 वर्ष का वर्षा होना चाहिए? तो भगवान आकर के एक सेकंड में जो दे देता है वो 5000 वर्ष के मुकाबले भी सबसे बड़ा वर्षा है। विश्व का मालिक अभी कहा जाएगा?
अभी सारे विश्व की आत्माएं उसको माथा झुकाते हैं, जिसको झुकाने के लिए तैयार हैं। नहीं, तो अभी विश्वनाथ है? नहीं, विश्व पिता है? नहीं, कब होगा? है अंतमा माने कब है? अरे अंत भी कब है? कब? 2018 2018 में 500 करोड़ 700 करोड़ आत्मा सब झुक जाएंगे। अगर 2018 ही होता तो बाबा को ये कहने की क्या दरकार है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 50 वर्ष किन के लिए हुए? फिर 500 करोड़ की बात तो पट हो गई। माने 16,108 जो राजयोग सीखने वाले हैं वो राज परिवार के सदस्य ज्यादा से ज्यादा वो अगले 10 वर्षों में संपन्न बनेंगे, उसके बाद प्रजा का नंबर लगेगा, उसके बाद और धर्मावलंबियों और उनके प्रजा का नंबर लगेगा। तो सारे विश्व की प्रजा कब मानेगी? 2037 तक। जब सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया के ऊपर डंडा बजेगा, चाहे वो एटम बम बनाने वाले हो, चाहे एटम बमों की चाबी अपने हाथ में रखने वाले हो। सबसे ज्यादा दुनिया में अहंकार किसको होता है? है? जिनके पास एटम बम की चाबी रखी हुई है, बटन दबाया धा 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 सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, उनको बड़ा अहंकार है। फिर उनके भी सर के ऊपर डंडा बजेगा या नहीं बजेगा? तब वो भी सरेंडर हो जाते हैं। उस समय का गायन है विश्व का पिता, विश्व का मालिक, विश्व पिता है, सबको खींच करके इस दुनिया के मेले से ऊपर ले जाएगा, बाप के घर में ले जाएगा, तब कहा जाएगा विश्व पिता। तो कितने समय का बाप हुआ विश्व पिता? कितने समय के लिए कहेंगे विश्व पिता? है नहीं, एक सेकंड का विश्व पिता। वो एक सेकंड की विश्व की बात चाहिए उसे मिलती है कि जो सारी दुनिया उसके इशारे पर चलती है, इशारे पर चलने के लिए मजबूर हो जाती है। इस दुनिया की एक भी मनुष्य आत्मा नहीं बचेगी जो उसके इशारे को मानने से इनकार कर दे। बाबा सारी दुनिया एक तरफ और बाबा अकेला एक तरफ, वो कब होगा? आज में हुआ था, आज में हुआ था या नहीं हुआ था? हैं? आज में हुआ था तो अंत में भी होगा। अंत में तो सारी दुनिया बाप को मानेगा ना? अंत में सारी दुनिया सर 2018 में सारी दुनिया मानेगी? नहीं माने। हैं? अभी तक समझाए ना बाबा। सर 2018 में सारी दुनिया मानेगी? मानेगी? नहीं मानेगी। ये सारी दुनिया विरोधी बन जाए तब उसके बाद 500 करोड़ की माला का पहला नंबर उठेगा कोई जो बाप को मानेगा, फिर कोई दूसरा उठेगा जो बाप को मानेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 उठेंगे, वो 8 नंबर में आ जाएंगे। नहीं तो माला कैसे बनेगी? माला बनने का कोई तरीका होगा? अभी कोई मानेगा कि हम माला के ये मणके हैं या नहीं है? है? अभी कोई नहीं मानेगा। फिर जब सारे ही ज्ञान में से अपोजिट हो जाएंगे, बाप के विरोधी बन जाएंगे, सारी दुनिया एक तरफ और बाप एक तरफ, तब मजबूर हो जाएंगे नंबर मानने के लिए कि हाँ हम तो इसी नंबर। फिर लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे।
हवा योग में बैठा तो नींद आ गया बच्चे वो कुंभकर्ण समार हो जाता है कुंभकर्ण माने दे अभिमान पापों का बाप कौन है कुंभकर्ण देव अभिमान जब ज्यादा पापों का बोझा बढ़ जाता है तो ज्ञान भी असर नहीं करता। देह अभिमान काबिज हो जाता है और नींद आने वाले तो लोग सरसों को तेल लगाने से नहीं है सरसों को तेल हाँ लगाओ लगाने से नींद नहीं आती लगाओ लगा के देखो नहीं आता है नहीं आता नहीं आधा घंटे तक नहीं आएगा फिर दूसरा में दूसरी आग में लगाओ फिर तीसरी में लगाओ ऐसे चार छह रोज रोज करेंगे तो उस टाइम नींद आना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बाबा पक्का ब्राह्मण ही पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्का देवता बनेंगे पक्का ब्राह्मण माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी है पक्का माने सूर्यवंशी पक्का माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्यों बाबा चंद्रवंशी भी वाले भी 84 जन्म लेते हैं माने लेते हैं लेकिन पक्के तो नहीं है है? राजा बनेंगे या रानी बनेंगे तो रानियों को पक्का कहेंगे या कच्चा कहेंगे है? वो बकरी के कुल के हैं या शेर के कुल के हैं है? पक्का कहेंगे या कच्चा कहेंगे कच्चे का कान पकड़ा जाएगा या पक्के का कान पकड़ा जाएगा पक्के का कान पकड़ा जाएगा शेर का कान ये पकड़ेगा भाई ये भाई तो बड़ा बहादुर है शेर का कान पकड़ लेता है कच्चे का कान पकड़ा जाता है विनाश में पूरा नवजात सुविधा विनाश होने के बाद फिर कैसे बनाते बनता नहीं है ऐसे ये जो चीज मिक्स हो जाती है वो मिक्स हुई चीज बाद में अलग अलग होती जाती है अलग अलग करके जैसे इब्राहिम एक साथ नहीं आता है बुद्ध के साथ नहीं आता है पहले इब्राहिम ही आएगा ऐसे ही जो पांच तत्व हैं उन पांच तत्वों में पहले पृथ्वी ही दिखाई देगी सारी सृष्टि में क्या पृथ्वी पांच तत्वों में मुख्य तत्व है पृथ्वी उसके बाद जल फिर अग्नि फिर वायु फिर आकाश तो ये नंबर वार जैसे व्यक्त में आते हैं ऐसे ही वो ग्रह उपग्रह भी नंबर वार व्यक्त में आएंगे पहले सूर्य सूर्य तो सदा ही है तो विनाश नहीं होता सूर्य का थोड़े ही विनाश होता है पृथ्वी जलमयी होती है लाल से वो सूर्य को भी देखते है ईरान को सूर्य को भी देखते ना सूर्य तो आग का गोला है वो खुद भी जलता है और जलाता है औरों को भी जलाता है और बाबा रामायण आत्मा पहले जन्म में नारायण पद लेते सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में फोर्थ पद मिलता रामायण आत्मा एक आत्मा के लिए गायन है चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा तो चारों युगों के आदि में प्रतापी बनती है श्रेष्ठ पाठधारी बनती है या हर जन्म में चारों युगों में प्रताप वन बनती है बताओ है हर युग के आदि में श्रेष्ठ पार्ट है और हर युग के अंत में नीचे
सतयुग के आदि में नर से नारायण बनती है, तो त्रेता के आदि में भी मस्त राम बनती है, तो द्वापर के आदि में भी विक्रमादित्य का गुरु बनती है, तो कलयुग के आदि में भी पृथ्वीराज चौहान बनती है। हर युग के आदि में श्रेष्ठ पार्ट है, तो क्या हर जन्म में श्रेष्ठ पार्ट होगा? है नहीं होगा, नीचे गिरता जाएगा। ऐसे ही जगदम्बा का है, संगम युग में श्रेष्ठ पार्ट है, राज करेगा खालसा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में कहा कि कुमारका दादी का जो पार्ट रहा ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल करने का, वो किसी का नहीं रहा। ओमराजे जगदम्बा का जो पार्ट रहा वो किसी का नहीं रहा। ऐसे ही एडवांस में भी राज करेगा खालसा का मतलब क्या हुआ? जो खालिस रहने वाली, पवित्र रहने वाली आत्मा है, वो सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मण कितने होते हैं? अरे कितने ब्राह्मणों की संख्या कितनी होती है? हैं? कितनी? 9 लाख 9 करोड़। बस सारी दुनिया ब्राह्मण नहीं बनेगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं बनेगी। तो सारी दुनिया जैसे ब्रह्मा की औलाद बनेगी, तो सारी दुनिया के ऊपर जगदम्बा का राज हो गया। जगत पिता का राज है, तो जगदम्बा का भी राज। और चामुंडी कहते हैं, चंडाल से नाम निकला है चामुंडी, चामुंडा चांडाल बनने वाले हैं, उनकी ईश्वरी है चामुंडी देवी। और जो चामुंडी देवी है उसका भी कंट्रोलर कौन है? उसका नाम है चामुंडेश्वर। और ओम